हम लोग लगातार से शिक्षा बहाली सातवां चरण विज्ञप्ति जारी करने के लिए लगातार 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रहे। कितना बार हम लोग ये डक बगला चौराहे पर लाठी खाए हैं, फिर भी सरकार नहीं है। आज ये हम लोग का सातवां चरण विज्ञप्ति जारी करने के लिए आर्य पार की लड़ाई है। हम लोग का ये पूरा विधानसभा घेराव करने जाए, लेकिन प्रशासन बल द्वारा हम लोग को रोक दिया गया। हम लोग सरकार से यही मांगे कि सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे। अब केवल टाले मत हुआ, खाली आज कल कर शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं। नहीं नहीं, 4 साल से लगातार से रही हो रहा है। ये 4 सालों से आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, अभी तक बहाली नहीं है, आपने क्या मांग कर? हम लोग को शिक्षक बनने की जो आशाएं होती है, विगत 4 सालों से हम लोग सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। और 4 सालों से हम लोग रोड पर मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से विनम्र निवेदन है कि सातवां चरण की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। बातों में बड़गड़ाए नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं करें, ट्वीट पे ट्वीट नहीं करें। शिक्षा मंत्री का काम क्या है? शिक्षा विभाग की जानकारी रखना, उनको अपने विभाग की जानकारी नहीं है और रामचरितमानस पर ज्ञान देते हैं। क्या ये सुहावनी है शिक्षा मंत्री को? अगर ठीक है, आपको नॉलेज है रामचरितमानस पर, तो वो आपका पद नहीं है सर, उस पर आपके बयानबाजी नहीं करना है। आप शिक्षा मंत्री है, शिक्षकों की क्या व्यवस्था बिहार में, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। विगत 4 सालों से हम लोग 4 लाख की संख्या में हम लोग शिक्षकों की संख्या 4 लाख और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तो आप कैसे हैंडल करिएगा? सातवां चरण के छठा चरण के नाम पर अभी 4 सालों से छठा चरण चल रहा है। हम लोग सातवां चरण की मांग कर रहे हैं, छठा चरण 4 साल में कोई मतलब नोटिफिकेशन या मतलब ये होता है? 4 सालों से मतलब नियोजन प्रक्रिया चल रही है, कैसी आपकी प्रक्रिया है? और ये सातवां चरण बोलते हैं कि हम ऐसा मतलब निष्पक्ष प्रक्रिया कर देंगे कि मतलब ये कहीं कोई केस के मतलब ये नहीं रहेगा, नाम निशान नहीं रहेगा। क्या आप गारंटी देते हैं कि सातवां चरण आने के बाद भी केस नहीं होगा? इतना मतलब निष्पक्ष जो नोटिफिकेशन लाने की मांग करते हैं जी जी, 2019 से एक बार नहीं, 3-4 बार हम सरकार कह रही है कि हम लोग आपका मतलब जल्द से जल्द प्रक्रिया मतलब सातवां चरण विज्ञप्ति जारी कर, लेकिन हो सिर्फ बयानबाजी हो रही है सिर्फ। हाँ, सरकार अपना सरकार बना लेती है, सरकार देखती है कि हमको मतलब मतलब सरकार हमको खतरे में है, तो अपना सरकार चेंज करके नया सरकार बना लेती है। और हम लोगों को भविष्य कौन देखेगा? सरकार तो अपने फ्यूचर को संभाल लिया, हम लोग का भविष्य कौन संभालेगा? हम लोग अब पूछते हैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से, कि हम लोग तो बोलते हैं क्या कि 2 करोड़ वालों से हम नोटिफिकेशन बनाए, हम लोग 2 करोड़ वाले से मांगेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ बिहार में की शिक्षा मंत्री है, आप शिक्षा मंत्री बिहार के हैं। वो तो उनका काम है रोकना, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। अगर हम लोग तो चाहते हैं कि रोड पर नहीं देखे, देखने को हम नहीं चाहते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करना मतलब मांग चाहते हैं, तो हम लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है सर कि हम लोग रोड पर प्रोटेस्ट करें और मार खाए लाठीचार्ज, किसी को शौक नहीं होता है। हमारी मांग सर 2019 दिसंबर से है कि सातवें चरण की प्राप्ति प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने के लिए सर, लेकिन शिक्षा मंत्री हाल ही में उनका बयान आया था कि नियमावली देने वाले हैं, लेकिन देखिए कैबिनेट बैठक होती ही जा रही है, लेकिन हम लोग के बारे में एक भी समझिए कोई भी नियम नहीं बना रहे हैं, ना ही हमारी सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे रहे हैं। वो हम लोग को विवश कर रहे हैं सड़क पर आकर रोड मार्च करने के लिए और उग्र प्रदर्शन करने के लिए, तो हम लोग उन्हीं के कहे मुताबिक हम लोग अब रोड पर ही प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति लेके ही जाएगा सर। 4 सालों से आप लोगों की नोटिफिकेशन की भी है, इसको लेकर विभाग की तरफ से क्या बोला गया? विभाग को लेकर बस विभाग से यही खबर आती है कि बस कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए। रुकते रुकते हम लोग को 3-4 साल हो गया सर, अब कितना रुके? रोकने से कुछ नहीं होगा सर, हम लोग अपना जोर लगाएंगे, पुलिस अपनी जोर लगा रही है, उनका अपना कर्तव्य है, लेकिन हमारा भी तो अपना कर्तव्य है। जब तक हम पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट की सही वैल्यू नहीं मिलेगी, हम लोग के पढ़ा लिखा का कोई वैल्यू नहीं है। और नीतीश सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सड़क पर आकर रोड मार्च करने के लिए हम लोग नहीं बने हैं। जब हम लोग शिक्षक है तो हम लोग को स्कूल में स्थापित किया जाए, हम लोग को पढ़ाने का मौका दिया जाए सर। डिमांड विगत 4 वर्षों से चल रही है, हमारी सिंपल सी मांग है कि हमारी नोटिफिकेशन हमारी बहाली दे दिया जाए, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी चीज को टाल मटोल कर रहे हैं। और विगत 4 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं, हमको ऐसा लगता है कि बिहार सरकार हम लोगों को सिर्फ आंदोलन करने के लिए बना दी है, हम लोग को आंदोलनकारी नहीं बनाई, हमको विज्ञप्ति चाहिए। और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को जो शिक्षा मंत्री पद दे दिया गया है उनको यहाँ से हटाइए ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। और आपके ये जो तनासार रवैया है ना कि आंदोलन के बाद भी आप लोग नहीं सुनते हैं, आंदोलन का इख्तियार दिया जाता है आवाज को बुलंद करने के लिए, आवाज पहुंचाने के लिए, लेकिन ये लोग आंदोलन से भी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि बिहार की सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो पूर्ण रूप से तनाशा हो गए हैं। 4 सालों से आप लोगों का नोटिफिकेशन अटका हुआ है,
विभाग बस टाल मटोल कर रहे हैं कि आपका विज्ञप्ति इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा। पेपर के माध्यम से देखिए तो बहाली हर रोज हो रही है, लेकिन धरातल पर इसका निष्कर्ष अभी जीरो है। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री रामचरितमानस ग्रंथ पर बात करेगा और शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करेगा, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक ऐसे ही रोड पर रहेंगे। आज हम लोग नहीं उतरे हैं, इससे पहले 4 साल से हम लोग उतर रहे हैं, आज पहली बार नहीं उतरे हैं। अब हम लोगों को नहीं पता था कि बीएड करो, डीएड करो, सीटेट करो, उसके बाद आंदोलन करो। ये भी एक हम लोगों का प्रोसेस हो गया है। शिक्षा मंत्री है क्या बोलते हैं म्यूट करके कि आपका नियमावली आएगा, नियमावली नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, जब उनसे ये पद नहीं संभाला जा रहा था, इस्तीफा दे दे। हम लोग यहाँ पर रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे गए थे, यहाँ के समाधान हम लोग करे ना, यहाँ इतने विद्यार्थी का समाधान करे, समाधान नहीं कर रहे हैं। फिर क्या चीज का है, क्या चीज का समाधान यात्रा? हम नहीं मानते हैं। हम लोग का नोटिफिकेशन 128 जल्दी जारी करें।